माइंडसेट यही रहता है कि अपने जो एग्जीक्यूशन जो राइट रहे उस टाइम पे, जो आपको टीम ने आपको दी होती है कि आपको ये करना है उस टाइम पे, ये करना है और गेल को किस एरिया में डालना है, तो हम वही प्लान कर रहे थे। पर टफ लक कि उसका आज एग्जीक्यूशन उसके ज़्यादा बेटर थे, हमारे एग्जीक्यूशन इतने हो नहीं पाए और वो उसके हर शॉट कनेक्ट हो रहा था, तो फिर प्लस पॉइंट उनका था। आई डोंट नो अबाउट बिली स्टैनलेट बिकॉज टीम मैनेजमेंट विल टेल यू बेटर देन मी, एंड अबाउट टेलिंग अबाउट मिस्टर गेल, इट्स ऑल अबाउट दैट ही वॉज एग्जीक्यूटिंग स्मार्टली एज वेल एंड ही वॉज चैलेंजिंग आर मेन बॉलर्स एंड इन दैट प्रोसेस ही गेट थ्रू इट। सो आई थिंक सो ही प्लेड रियली वेल एंड वी डिड नॉट गेट इट इन द राइट थिंग, सो होपफुली इन द नेक्स्ट कमिंग मैचेज वी विल गेट इट बैक। ऑब्वियसली अगर कोई हमारा मेन प्लेयर अगर कुछ इंजर्ड हो जाए तो आपको थोड़ा सेटबैक लग जाता है, पर हमारे प्लेयर्स ऐसे थे कि जो कन्वर्ट कर सकते थे। हम भी एंड में 15 रन से ही हारे हैं, इतना ज़्यादा बिग मार्जिन से नहीं हारे जो सोच जैसे दिख रहा था पहले स्टार्टिंग में, पर काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं हमारी टीम में और अच्छा ही करते आ रहे हैं और हम टॉप पे चार्ट पे थे और एक मैच से हमें नहीं लगता कोई चेंज होता है। हम अपना पॉजिटिव रहेंगे और आने वाले मैचेस में और ज़्यादा अच्छा करेंगे। जी हाँ सर, वो कभी कभार हो जाता है कि दूसरी टीम का ज़्यादा एग्जीक्यूशन अच्छा हो जाता है कहीं की बारी और कहीं की बारी हमारा मिस आउट हो जाता है, पर हमारा ऐसा नहीं है कि कोई भी वीक पॉइंट है, सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और आने वाले मैचेस में आप देखेंगे हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेगी। और थैंक यू सर। क्योंकि सर मेरे ख्याल से जो प्लान चल रहा था, जो हमारा मेन बॉलर था राशिद भाई, उनको लग गए थे शॉट्स उसमें, तो उनको एंड में हमने सोचा था कि एंड में उनको डाल देंगे, तो जो हमारे जो और एक्सपीरियंस बॉलर्स है जैसे भूवी भाई है और जॉर्डन है और मैं हूँ, साथ में एक्सपीरियंस जितना भी मेरे पास है उतना कर रहा हूँ अपने आप को एग्जीक्यूट करने में, तो फिर वो प्लान था कि एंड में अगर नहीं, अगर वो आउट हो जाता है तो फिर उनको करवा देंगे एक ओवर, ऐसे प्लान होता है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कि भूवी भाई के लिए कि आखिरी ओवर नहीं रखा था, कुछ नहीं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन में और सिचुएशन के हिसाब से हम जा रहे थे।